मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ्स में सिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिक्स चैप्टर कौन सा है हमारा? नंबर्स अप टू 20। सिक्स चैप्टर है हमारा नंबर्स अप टू 20। चलिए चैप्टर में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम। यहाँ देखिए एक पिक्चर दे रखी है। क्या दे रखी है? एक पिक्चर दे रखी है। देखिए कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर और विद एनिमल्स, और एनिमल्स भी हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ एक्सरसाइज दे रखी है। क्या दे रखी है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है? काउंट एंड सर्किल द करेक्ट नंबर ऑफ ईच बाय लुकिंग एट द पिक्चर। जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, यहाँ पर क्या है? कुछ बच्चे खेल रहे हैं और विद एनिमल्स के साथ। अब क्या करना है? यहाँ पर हमें काउंट करना है एंड सर्किल करना है। काउंट करना है पिक्चर्स एंड सर्किल करना है नंबर पर। काउंट करना है पिक्चर्स, सर्किल करना है नंबर्स पे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या दे रखा है? बॉल्स। बॉल्स दे रखा है यहाँ पर। बॉल्स 6, 2, 4 दे रखी हैं। अब यहाँ पर हमें पिक्चर में काउंट करनी है कितनी बॉल्स हैं, तो वो हमें काउंट करनी है और उस पर सर्किल करना है। चलिए देखते हैं। 1, 2, 3, 4 फोर हो गई, ठीक है। 5, 6 कितनी बॉल्स हैं हमारी? 6। तो 6 पर हम सर्किल कर लेते हैं। कर लीजिए 6 पर सर्किल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स। क्या है? बर्ड्स। बर्ड्स में 2, 3, 9। अब देखते हैं यहाँ पर बर्ड्स कितनी हैं, तो वो हम काउंट कर लेते हैं फिर सर्किल कर देते हैं। देखिए बर्ड्स काउंट करते हैं। यहाँ है ट्री पर बर्ड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और देख लीजिए पिक्चर में और कहीं तो नहीं है बर्ड्स? 9 बर्ड्स है हमारी। तो 9 बर्ड्स है, तो पिक्चर पे यहाँ पर सर्किल कर दीजिए। 9 पर बर्ड्स हमारी 9 है, तो 9 पर हमने सर्किल कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा नेट्स। नेट्स नेट्स देखते हैं यहाँ पर कितनी है, तो वो काउंट करेंगे और सर्किल कर देंगे। देखिए 1, 2 ये रही नेट, तो इस पर हमें सर्किल करना है 2 पर, तो 2 पे हम सर्किल कर देंगे। कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? डॉग्स। डॉग्स कितने हैं हमारे, तो वो काउंट करते हैं हम। 1, 2, 3, 3 और इधर एक 4, 4 हो गया, और 5 और 6, तो कितने हो गए हमारे? 6 डॉग्स। तो 6 पर सर्किल कर दीजिए। 6 पर सर्किल कर दिया। आगे पेज टर्न कर लीजिए। तो यहाँ पर दिया बिल्डिंग्स नंबर्स। यहाँ देखिए कितनी पेंसिल्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेंसिल्स हैं। इन्हें एक पैकेट में रख लिया, 10 पेंसिल एक पैकेट में कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 10 कैसे लिखेंगे? जो फर्स्ट नंबर होता है इसको बोलते हैं वंस प्लेस, और जो दूसरा नंबर होता है उसको बोलते हैं टेंस प्लेस। पहला नंबर हमारा वंस प्लेस बोलते हैं इसको, और इसको टेंस प्लेस। तो देखिए यहाँ वंस प्लेस और टेंस प्लेस लिख कर दिखाया है। तो वंस प्लेस कौन सा हुआ? 0, और टेंस प्लेस कौन सा हुआ? 1। तो इक्वल्स टू इसे साथ में लिखा, तो कैसे लिखेंगे? 10। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? चेरीज हैं। तो यहाँ पर इतनी चेरीज दी है, 10 चेरीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेरीज हैं। यहाँ पर बंच बना लिया इसका, चेरीज का, 10 का। अब कैसे लिखेंगे? वंस प्लेस कौन सी हो गई? 0, और टेंस प्लेस 1 इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट ऐसी बनानास दी हैं, 10 बनानास हैं, उसके बंच बना लिया, मतलब है हमारा साथ में लिखेंगे। क्या है? साथ में। जैसे वंस प्लेस हमारी क्या हो गई? 0, और टेंस प्लेस क्या हो गई? 1 हो गई। तो इसको लिखेंगे साथ में, क्या हो जाएगी? 10। अब वंस प्लेस और टेंस प्लेस आपकी समझ में आ गई? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करना है? वी यूज 10 टू मेक अदर नंबर्स। हम 10 का यूज़ करके अदर नंबर से अदर नंबर को जोड़ते हैं। तो देखिए 10 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए? 11। तो 11 कैसे लिखेंगे? 1, 1, 11 होते हैं ना, तो वंस की वंस पर क्या लिखेंगे? 1। टेंस पर क्या लिखेंगे? 1। तो दोनों जगह क्या है? 1, 1। तो इसको हो गया, ये हो गया 11। 11 की स्पेलिंग ये होती है। नेक्स्ट ऐसी बनानास, 10 में 2 ऐड किए तो कितने हो गए? 12।
टेन में टू ऐड किए कितने हो गए 12, तो वंस प्लेस पे 2 आ गया, टेंथ प्लेस पे 1 आ गया, तो देखिए कितने हो गए 12 की स्पेलिंग 12, ओके। ऐसी 10 एप्पल्स, 10 बनानास हैं, सॉरी 10 बनानास हैं और ये 3 बनानास हैं, तो देखिए 10 में 3 ऐड किए तो कितने हो गए 13, कितने हो गए 13, वंस प्लेस पर 3, टेंथ प्लेस पर 1, तो कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे 13। आगे करते हैं नेक्स्ट पेज में, बेटा यहाँ पर 10 में 4 ऐड किए कितने हो गए 14, वंस प्लेस पे 4, टेंस प्लेस पे 1, कितने हो गए 14। नेक्स्ट 10 में 5 प्लस किए, 5 ऐड किए तो कितने हो गए 15, तो वंस प्लेस पे 5, टेंस प्लेस पे 1। नेक्स्ट ऐसे ही करते जाएंगे, 10 में 6 प्लस की 16, तो कैसे लिखेंगे 1 स्पेस पे 6, 10 स्पेस पे 1, कितना हो गया 16। नेक्स्ट 10 में 7 ऐड किए तो कितना हो गया 17, ओके, तो 1 स्पेस पे 7, 10 स्पेस पे 1, 17। नेक्स्ट 10 में 8 ऐड किए तो कितना हो गया 18, तो 1 स्पेस पे 8, 10 स्पेस पे 1। नेक्स्ट 1 भी ऐसी है, 10 में 9 ऐड किए तो कितना हो गए 19, वन स्पेस पे 9, 10 स्पेस पे 1, 19। नेक्स्ट 10 में 10 ऐड किए कितना हो गए 20, तो देखिए वन स्पेस पे क्या आएगा 0, 10 स्पेस पे 2, 20। नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए अपने बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ट्रेस द नंबर्स एंड द नंबर्स नेम, ट्रेस करना है नंबर्स यहाँ दिए हैं और नंबर्स नेम, तो यहाँ आपको जो नंबर्स दिए हैं तो आप ये ऐसे लिख लीजिएगा और ये भी ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप बुक में फिल कर लीजिएगा, ओके बेटा, यहाँ तक अप टू 20 ये फिल कर लीजिएगा, ओके बेटा। नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए, अब देखिए बेटा काउंटिंग ऑन है एबिकस, ये आपको एबिकस बना हुआ है, ठीक है, एबिकस बना है, इस पर क्या करना है नंबर्स काउंट करना है, इसको बोलते हैं SPIKE स्पाइक, बोलते हैं क्या बोलते हैं स्पाइक। अब देखिए एन एबिकस इज यूज टू काउंट नंबर्स, एबिकस पे नंबर्स काउंट करना है, इट हैज स्पाइक्स एंड बीट्स, इसके पास क्या होती है, ये क्या है इसकी स्पाइक्स हैं और ये क्या है बीट्स, ये क्या है बीट्स। अब देखिए एग्जांपल दिया है, एक आपको एबिकस दिया हुआ है, ठीक है, एबिकस दिया हुआ है, द वन स्पाइक है 7 बीट्स, एक स्पाइक पे कितनी बीट्स है 7, एक स्पाइक पे कितनी बीट्स है 7, तो ये हमारी होती है वंस प्लेस, है ना, और दूसरी स्पाइक पे क्या है एंड द टेंथ स्पाइक है 1 बीट, और जो टेंथ प्लेस है उस पर कितनी बीट है 1 बीट है, और टुगेदर दे मेक 17, तो कितनी हो गई 17 हो गई, 17 हैज 110 एंड 7 वंस, तो 17 को कैसे लिखा जाएगा 7 वंस एंड 110, 1 के साथ 10 आएगा, 7 वंस 110, तो क्या बोला जाएगा पूरा साथ में क्या बोला जाएगा 17। एक्सरसाइज दिया है यहाँ पर, एक्सरसाइज 1, शो द नंबर्स ऑन द एबिकस, नंबर्स हमें किस पर शो करना है एबिकस पर शो करना है, तो यहाँ पर एबिकस बना हुआ है, देखिए वंस प्लेस और टेंस प्लेस, वंस प्लेस पे कितनी बीट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बीट हैं, तो यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या लिख दिया है 6। अब देखिए टेंस प्लेस है यहाँ पर, यहाँ कितनी बीट्स हैं 1, तो 1 लिख दिया है यहाँ पर, तो कैसे लिखा जाएगा साथ में 16, ऐसे इन्होंने लिखकर दिखाया है। एक और देख लीजिए, अभी दूसरा एग्जांपल है, तो ये हमें करना है, ओके, तो देखिए यहाँ पर वंस प्लेस कितनी बीट्स होंगी, वंस प्लेस पे 5, कितनी बीट्स होंगी 5, तो 5 यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बीट्स ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पर टेंस प्लेस पे तो कुछ दिया नहीं है, तो कुछ नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यहाँ पर 0 है, तो कितनी बीट्स होंगे यहाँ पर 0, तो 0 तो कुछ होती नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, ओके, छोड़ देंगे इसे। अब यहाँ है टेंथ प्लेस पर 1,
तो यहाँ पर वन बीट बना लेंगे, वन बीट बना लिया कितना हो गया 10। अब देखिए यहाँ 16, यहाँ 5, यहाँ 10, ठीक है। नेक्स्ट वाला डी वाला निकाल लीजिए, यहाँ पहला है वंस प्लेस पर 8, तो 8 बीट्स बनानी है यहाँ पर, तो 8 बीट्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बीट्स बना ली। और यहाँ पर नेक्स्ट प्लेस पे 1 बीट दी है, तो 1 बीट दिया ना, तो 1 बीट बना लेंगे, तो ऐसे होगा साथ में 18, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा 15, तो वंस प्लेस पे कौन सा दिया है 5, तो 5 बीट्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 बीट दी है टेंथ प्लेस पे, तो 1 बीट बना लिया, तो इसे बोलेंगे साथ में 15। ये आपको केवल नोटबुक में क्या करना है, देखिए राइट द नंबर्स शोन ऑन द एबिकस, राइट द नंबर शोन ऑन द एबिकस। अब देखिए यहाँ पर एबिकस बना हुआ है, तो इस पर क्या है, क्या ड्रॉ है, क्या ड्रॉ बना हुए हैं, बीट्स बना हुए हैं, तो हमें बीट्स काउंट करके लिखना है, क्या करना है, बीट्स काउंट करके लिखना है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कितनी बीट्स हैं वंस प्लेस पे, 1 2, तो 2 लिख दिया, टेंस प्लेस पे कितनी बीट है, 1, तो 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट वन देखिए, वंस प्लेस पे कितनी बीट है वो काउंट करके लिखना है, 1, तो 1 लिख दिया वंस प्लेस पे, और टेंस प्लेस पे कौन सी बीट्स हैं, कितनी है, सॉरी कितनी बीट्स है, 1, तो 1 लिख दिया, तो 11 हो गया, साथ में क्या बोलेंगे इसे, 11। नेक्स्ट वन कितनी बीट्स है, 1 2 3 4 5, वंस प्लेस पे 5 बीट्स है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और टेंथ प्लेस पे कितनी बीट्स है, 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ओके। अब नेक्स्ट वन देखिए कितनी बीट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बीट्स है, 7 लिख दिया, और यहाँ कितनी बीट्स है, 1, तो 1 लिख दिया, कितना हो गया, 17। नेक्स्ट कितनी बीट्स है, 1 2 3, 3 बीट्स है वंस प्लेस पे, तो 3 लिख दिया, यहाँ 1 बीट है, तो 1 लिख दिया, 13 हो गए। यहाँ कितनी बीट्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिया, और यहाँ पर 1 है, तो 1 लिख दिया, 16 हो गए। ये समझ में आ गया एक्सरसाइज आपको, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज निकाल। बच्चों जो मैंने बुक में एक्सरसाइजेज आपको फिल करवाई हैं वो आपको बुक में करनी है। अब मैं नोटबुक में वर्क देती हूँ आपको। अब बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज दी है मैंने, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स कौन से हैं, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन दिए मैंने। आफ्टर आप पहले कर चुके हो ना, इस टाइप की एक्सरसाइज आप कर चुके हो ना, आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन वाली। अब देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ, आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, जैसे ये नंबर है 36, 36 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 36 के बाद में 37 आता है, क्या आता है, 37, ठीक है, 36 37, फिर 49, 49 के बाद में 50 51, के बाद में 52, नेक्स्ट 62 के बाद में 63, 74 के बाद में 75, 80, अब नेक्स्ट है 88 के बाद में 89, 20 के बाद में 21, 69 के बाद में 70, ओके बेटा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, तो 20 से पहले क्या आता है हमारा, 20 से पहले 19 आता है ना, 1 9 19, नेक्स्ट 45 से पहले 44, 64 से पहले 63, 72 से पहले 71, 30 से पहले 29, 50 से पहले 55, 77 से पहले 76, 82 से पहले 81, नेक्स्ट आ जाते हैं हम बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में, 31 एंड 33 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 31 32 33, कौन सा नंबर आ जाएगा, 32, नेक्स्ट 89 90 91, कौन सा आ जाएगा, 90, 89 90 91, नेक्स्ट 42 43 44, कितना आ जाएगा, 43, 42 43 44, 39 40 41, कितना आ जाएगा, 40 40, नेक्स्ट 62
64 कितना आ जाएगा 63। नेक्स्ट 82, 83, 84 कितना आ जाएगा 83। नेक्स्ट 98, 99, 100 तो कितना आ जाएगा 99, 98, 99, 100 आ गया। नेक्स्ट 25, 26, 27 तो कितना आएगा 26। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आपको किस में करनी है, नोटबुक में। ओके बेटा, गुड बाय।